दिनेश सिंह नेगी, कौशल्या देवी जी, श्री वासुदेव चौरसिया जी, श्री बाबूराम शर्मा जी, श्री सतीश चंद नारंग जी, श्रीपति राज नारंग जी, नेमी चंद, शांति देवी नारंग जी, सोनम जी, सोनम नारंग जी, रीटा नारंग जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। साथ में हमारे मध्य आए हुए साधुगण, जितने भी हमारे परम आदरणीय साधुगण हैं, उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाइए। पुनीत तिवारी जी से भी प्रार्थना करूंगा, महेश जी से भी प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाइए। पंडित जी से निवेदन करूंगा कि आरती की थाल सभी यजमान परिवार और महाराज जी के कमलों में दें। श्रीमती पूजा जोशी जी, नम्रता जोशी जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। चलते हम सभी लोग आरती की ओर, श्री रामायण जी की आरती। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर ये आरती का दर्शन करेंगे। Thank you.
सद्गुरुदेव भगवान की, बोलो श्री हनुमान जी महाराज की, बोलो महाकाल बाबा की, बोलो देवी मैया की, बोलो संत समाज की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएंगे। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव से अनुरोध है कि आरती को यथास्थान विराजित करते हुए मंच को खाली करेंगे और अपने अस्थाई निज आसन पर बैठेंगे सभी लोग। एक बार पूज्य बापू जी के लिए और महाराज श्री के लिए जोरदार तालियां एक बार पुनः सभी लोग। मैं हमारी माता जी श्रीमती ललिता जोशी जी, विशाल जी महाराज, श्री रमेश चंद नेगी जी और गोदावरी देवी जी से प्रार्थना करूंगा और मुनि देवी जी से प्रार्थना करूंगा कि कृपया मंच पर रुकेंगे दीप प्रज्वलन के लिए। विशाल जी महाराज, रमेश जी, माता जी, कंद रोदन कंद रोदन
निज मन मुकुर सुधार वरनम रघुबर बिमल दस जोदायक Oh,
Oh,
Bye.
भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। सदगुरुदेव की। संत समाध की। श्री अंबे माता की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कैलाश निवासी भगवान आशुतोष चंद्रमौली वृषकेतु भगवान भोलेनाथ और उनके ही चरणों में बैठे हुए हम सभी आज नवम दिवस की मानस की अंतिम परिक्रमा करने जा रहे हैं। आज की वेला में पधारे हुए आप सभी भक्तों का मेरी व्यासपीठ से आज पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जिसकी हम सेवा करते हैं, जिसका हम चिंतन करते हैं, उसके सद्गुण हमारे भीतर आने लगते हैं। भगवान शिव की आराधना करने वाले धीरे 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 उनके सद्गुणों से सुशोभित होने लग जाते हैं। यहां भगवान महाकाल की सेवा करते करते हमारे विशाल जी महाराज स्वयं महाकाल स्वरूप होते जा रहे धीरे धीरे। क्योंकि राम का चिंतन करते 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 एक वक्त वो आता है जब हम स्वयं राम समान होने लगते हैं। साधना के उस परम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही ऋषियों ने घोषणा किया अहम् ब्रह्मास्मि। सो हम जो वो है वही तो मैं हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। यह घोषणा शास्त्रों में ऋषियों ने की और यह ऐसे नहीं की। एक क्षण ऐसा आता है कि जब हम महसूस करते हैं कि जो वो है वही तो मैं हूं। शास्त्र कहते हैं तुम जिनकी उपासना करते हो, जिनकी साधना करते हो, दिन रात जिसका चिंतन करते हो, धीरे 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 तुम वही हो जाते हो। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाई। प्रेम की गली बहुत सांकरी है, वहां जीव और ब्रह्म दो नहीं होते, वहां एकत्व का अनुभव होता है साधक के लिए। ये जरा गहरी बातें हैं, वेदांत की बातें हैं, शायद हमें समझ में न आए, लेकिन ध्यान की गहराई में जब उतरोगे तब अनुभव करोगे कि जो वो है वही तो मैं। जब ओंकार की ध्वनि भीतर प्रस्फुटित होती है तब अनुभव होता है साधक को जो वो है वही मैं। वाल्मीकि महाराज के विषय में ऐसी कथा आती है, उल्टा नाम जपे उदराना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। राम राम करते 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 राम जी मिले न मिले
कोई भरोसा नहीं है, कईयों को नहीं भी मिले, लेकिन एक फायदा होगा, राम राम जपते जपते तुम स्वयं राम समान हो जाओ। निरंतर हम जिसका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, डूबे रहते हैं जिसके ध्यान में, धीरे 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 उसके सद्गुण हमारे भीतर आते हैं। हमारे यहां एक क्रीट वृंग न्याय होता है, श्रीमद् भागवत का वह उदाहरण है। भृंगी नाम का एक कीड़ा होता है, उसके खुद अपने बच्चे नहीं होते, लेकिन फिर भी अपनी प्रजाति वह बढ़ाता है। तो कैसे, आपने देखा होगा मिट्टी के छोटे छोटे घर कई बार कोई कीड़े हमारे घरों में बना लेते हैं, कहीं लकड़ी में, दरवाजे के पीछे, या कहीं मिट्टी के छोटे छोटे, और उसमें एक छेद होता है। तो जो भृंगी कीड़ा होता है वो किसी भी कीड़े को पकड़कर उसमें बंद कर देता है और एक छेद रखता है सामने, और रोज नियम से वो छेद के सामने आकर वह कीड़ा ब्रिंग 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 बोलता रहता है। तो अंदर जो बंद है ना, महीने दो महीने के बाद वो भी बेचारा अंदर पड़ा पड़ा ब्रिंग ब्रिंग बोलने लगता है। बस उसको लगता है कि हमारी गाती वाला हो गया और उसको छोड़ देता है। फिर वो कीड़ा ब्रिंग ब्रिंग ही बोलता रहता है, किसी भी प्रजाति का हो, ऐसे इसका वंश बढ़ता। तो अंदर बंद हुए हुए वह कीड़ा बाहर के उस भृंगी कीड़े का चिंतन करता है, तो धीरे धीरे उसके गुण उसके भीतर आ जाते हैं। इसको कहते हैं कीट भृंग ज्ञान, कीट भृंग ज्ञान। इसी प्रकार साधक जब शिवोपासना करता है, ब्रह्मोपासना करता है, रामोपासना करता है, धीरे 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 भगवान के गुण हमारे भीतर अंकुरित होने लगते हैं। इसलिए जब ध्यान की गहराई में उतरो, साधना की गहराई में उतरो, तो एकांत वातावरण जहां फिर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। ऋषियों ने मध्य रात्रि के बाद ब्रह्म मुहूर्त का समय चुना साधन के लिए, वही साधन उपयुक्त है क्योंकि वहां कोई शोर शराबा नहीं। रात्रि विश्राम के बाद तुम प्रफुल्लित उठते हो और तब परमात्मा का स्मरण किया जाता है। तो धीरे धीरे आप पाओगे कि प्रभु जैसे सद्गुण तुम्हारे भीतर आने लगते हैं। साधक के भीतर अपने इष्ट देव के गुण न आए तो फिर वह साधक कैसा। भगवान राम की उपासना करते हो और राम जी के गुण तुम्हारे भीतर न आए तो समझना तुम्हारी साधना अभी अधूरी है, अभी वो सोचाई की ओर नहीं जा रही है जहां वो जानी चाहिए। शिवोपासना करते हो, महाकाल की उपासना करते हो और भोले बाबा जैसे शांत रस में तुम्हारे स्वभाव न दिखाई दे, तो इसका मतलब है तुम्हारी साधना अभी अधूरी है। सीधी सी बात है, जिनका हम ध्यान करते हैं हम वही होने लग जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं। ये बड़ी ऊंची बात है प्यारे,
जब हम साधना की उस ऊंचाई पर पहुंचते हैं तब महसूस होता है कि या तो वो है और या तो फिर मैं हूं, या तो जगत ही ब्रह्म है या ब्रह्म ही जगत है, या तो मैं हूं और या तो वो है, या तो तुम मिट जाओ और या तो उसको अपने भीतर समेट लो। जब साधना की ऐसी ऊंचाई आती है तब जीव और ब्रह्म एकत्व का अनुभव करते हैं। इस भूमि पर साधना करते करते श्री विशाल जी महाराज स्वयं महाकाल महारुद्र के स्वरूप में धीरे 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 स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ डायरेक्ट कृपा नहीं करेंगे, सदगुरु के माध्यम से करेंगे। परमात्मा स्वयं करुणा करने धरती पर बार बार नहीं आते, संत जनों को भेज देते हैं। जब आवश्यकता होती है, जब धर्म और धरती पुकार करते हैं, बार बार परमात्मा कहां आएंगे, तो कभी कभी ईश्वर खुद नहीं आते, अपने साधक को किसी संत को भेज देते हैं। यह भूमि की मांग होती है, भगवान की इच्छा होती है और हम सभी भक्तों की श्रद्धा होती है, तब हमारे बीच किसी संत का आगमन होता है। बहुत ध्यान से सुनना, हमारे क्षेत्र में जब कोई संत के चरण पड़ते हैं तो उसके तीन कारण, परमात्मा की इच्छा, हमारी श्रद्धा और उस भूमि की मांग, उस भूमि की प्यास। धरती के बहुत सारे ऐसे टुकड़े हैं, क्षेत्र हैं, जहां किसी संत के चरण नहीं पड़े। इस रूप में मैं कहूंगा वो ऊसर भूमि, जहां किसी संत के कदम नहीं पड़े। और जरूरी नहीं कि कदम प्रत्यक्ष रूप में पड़े, दीपक का प्रकाश जहां तक फैलता है वहां तक अंधेरा गायब हो जाता है। संत हमारे क्षेत्र में रहते हैं तो पूरा का पूरा क्षेत्र प्रकाशित होता है, उनके तप और साधन के बल से पूरा क्षेत्र ऊर्जावान होता है। तो एक संत की करुणा और तपस्या के कारण आज हम सभी यहां बैठे हुए हैं। वरना खुद सोचो यहां आप क्यों आते। अब आप लोग कितने दूर दूर गांव से आए हैं, मैं तो दो दिन से देख रहा हूं, जब बयाना से मैं इधर आता हूं तो रास्ते में बहुत सारी माताएं मुझे मिलती हैं, पैदल आती, कितनी दूर दूर से आ रही, बहुत सारे भाई लोग दूर दूर से, जो जिस साधन को प्राप्त कर सका है उस साधन से कितनी दूरी दूरी से यहां आ रहे हैं हम सभी। हाँ, क्या कारण है, क्या प्रसाद लेने आते हो, नहीं, क्या भोजन करने आते हो, नहीं, एक संत की तपस्या तुम्हें खींच कर यहां आ रही है, एक संत की करुणा तुम्हें पुकार रही है। वरना एक साथ इतने गांव के लोग एक जगह बैठे और इतनी मस्ती में बैठे संभव ही नहीं रहता है। हाँ, एक संत की तपस्या के कारण हम सभी यहां बैठे हैं। इस भूमि की मांग थी, इस भूमि की प्यास थी। देखो ना, पूरी प्रकृति नाच रही होती है, जब कथा चलती है ना पूरी प्रकृति नाच रही अपने ढंग से, कभी हवाएं नृत्य करती हैं, कभी वृक्ष झूमते हैं, कभी पशु पक्षी नाच रहे होते हैं,
इस भूमि की प्यास पूर्ण हो रही है। आज 9 दिवसीय यह यात्रा विराम की ओर जा रही है। तब मेरे जाने के बाद अब जिम्मेदारी आप लोगों की। कल मुझे कोई कह रहा था कि बापू आप तो कल चले जाएंगे, फिर हम लोगों को क्या होगा। 9 दिवस से आदत हो गई थी, सुबह उठते ही बस मन में एक ख्याल आता था कि चलो बाबा जी के पास जाना है, कथा सुननी है। अब कल के बाद क्या होगा, इसी बात का मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। मेरे जाने के बाद भी अब आप लोग सो मत जाना, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने आपको जगाया है, अब यह जागरण कंटिन्यू रखना है। ये जागरण अब फिर से सोने में बदल मत देना। यहां बाबा तुलसी ने चौपाई लिखी, सदा रहत पुर आवत दाता। मेरे जाने के बाद भी ये श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए, यहां आते रहना और भोलेनाथ की सेवा करते रहना। संत के सानिध्य में जितना रहोगे आनंद होगा। राधा के साथ राज्य का सुख भोग कर रहना ठीक नहीं है क्योंकि राधा, लेकिन एक फकीर के साथ प्यारे भिक्षा मांग कर भी रहना पड़े तो ये सौदा महंगा नहीं है, सस्ता है प्यारे। तुम जितना डूबोगे उतने आनंद में रहोगे। आज ये कथा यहां विराम ले रही है, लेकिन यह जागरण तुम्हारे हृदय में कायम रहना चाहिए। कई दादाजी लोग ऐसे हैं 3 घंटे बगैर हुक्का के नहीं बैठ सकते, लेकिन यहां बैठे। ये प्रभाव कथा का, वरना 3 घंटे हाँ तीन घंटे कम से कम हम विकारों से दूर हैं। और मैं तो आपको प्रार्थना करूं कि कथा यहां नहीं हो रही है ना, तब भी शब्द कभी मिटते नहीं, ये पर्वत वादियों में राम कथा के शब्द सदैव गूंजते रहेंगे। कभी आप उस पर्वत की श्रृंखला पर बैठोगे ना और ध्यानस्थ होगे तो आपको महसूस होगा कि बापू के द्वारा निकली हुई वाणी तुम्हारे कानों में आ रही है, तुम्हें स्वांग महसूस किया, क्योंकि शब्द ब्रह्म है, शब्द के नाश नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता गाई है आज भी क्षितिज में वो शब्द गूंज रहे हैं। विज्ञान अभी इतना समृद्धशाली नहीं हुआ है जो उन शब्दों को पकड़ सके। जिस दिन विज्ञान और समृद्धशाली होगा वह दिन दूर नहीं कि भगवान कृष्ण की भी ओरिजिनल आवाज हम तक पहुंचाई जा सकती है, तरंगों के माध्यम से उनको पकड़ा जा सकता है। यह आकाशवाणी क्या है, ये मोबाइल फोन क्या है, ये सब तरंग ही तो है। हमारी आवाज लंदन और अमेरिका तक पहुंच जाती है, कोई वायर नहीं है, हाँ तरंग ही तो है। इन तरंगों के माध्यम से यहां बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को सुन लेता है, तरंग ही तो है। तो जब आप एकांत में बैठोगे तो ये राम कथा के शब्द आपके कानों में गूंजेंगे। तो मेरे जाने के बाद भी अब ये जागरण बंद ना हो, आते रहना और इस क्षेत्र में मैं तो चाहता हूं आने वाले समय में यह क्षेत्र ऐसा प्रतिष्ठित हो जाए, सब लोग मिलकर इस क्षेत्र को ऐसा बना दो कि आने वाली पीढ़ियां भी
यहाँ आकर के उपदेश प्राप्त कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके और आनंद प्राप्त कर सके। ऐसी पर्वत है, सरोवर है, साधु के आश्रम की नींव भी रखी जा चुकी है, सत्संग भी हो रहा है। अब आपके प्रगाढ़ श्रद्धा की जरूरत। धीरे 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 जितनी श्रद्धा होगी एक शत्रु उतना और प्रफुल्लित होगा। आदंतिम परिक्रमा करने के लिए हम सभी यहां बैठे हैं और पता है इस कथा में एक भक्त ऐसा है जिसकी श्रद्धा और विश्वास के कारण इन पहाड़ों के बीच में भी, कंदराओं के मध्य भी, जंगलों के बीच भी ये कथा आज इतनी सफल होती हुई दिखाई दी। उसके पीछे एक भक्त की श्रद्धा और विश्वास। और मैं चाहूंगा कि हमारे रमेश जी नेगी जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएंगे। जब कोई नहीं था तो उन्होंने हिम्मत की। बाद में तो पूरा कारवां एकत्र हो जाता है भाई, ध्वज लेकर के आगे चलने वाला वो बहुत हिम्मत ही होता है। बहुत हिम्मत का काम किया हमारे नेगी जी ने, नो डाउट, कोई संशय नहीं इसमें। और उनके भाव के कारण ही आज ये कथा सक्सेस हुई, सफल हुई। यहां के नहीं, बयाना के नहीं, वो भरतपुर के नहीं, इंदौर के नहीं, आसपास के नहीं, प्रयागराज से आए हैं, नैनी से। वरना कथा का आयोजन करना होता तो वहां प्रयाग में भी तो कर सकते थे ना। हाँ, लेकिन नहीं, संकल्प था कि चलो इन पर्वत वादियों में एक बार भोलेनाथ को सुनाई जाए। और एक संत के संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया और आज कथा अपने पूर्ण युवानी पर है। धीरे 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 अब हम विराम के समय की ओर चल रहे हैं। भाई देखो, 9 दिन में पूरी ग्राम कथा तो नहीं गाई जा सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत कहीं सुनही बहु विधि सब संता, कहीं सुनही बहु संभव ही नहीं। अब आकाश में मच्छर भी उड़ते हैं, मक्खी भी उड़ती है, पक्षी भी उड़ते हैं, वैज्ञानिक यंत्र भी उड़ते हैं। हाँ, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सभी उड़ान भरते हैं। लेकिन कोई कहे कि मैंने आकाश की पूरी ऊंचाई नापी, संभव नहीं है। इम्पॉसिबल।
ऐसे ही अपनी अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार सभी वक्ता कथाएं गाते हैं, लेकिन कोई कहे कि मैंने पूर्ण कथा गा ली, ये संभव ही नहीं है। सभी अपने अपने ढंग से कथा गा रहे हैं। मैंने भी नौ दिन तक आपके मध्य जैसी परमात्मा ने हमको बुद्धि दिखाई, मैंने आपके समक्ष कथा गाई है। पूरी कथा तो नहीं हो सकती है भाई, हाँ, इसलिए आज कथा विराम लेने जा रही है। एक विराम है, पूर्ण नहीं। कथा की पूर्णाहुति नहीं होती है, कथा हमेशा विराम लेती है। तो आज हम सभी इस आयोजन को विराम करने जा रहे हैं। फिर कभी भोलेनाथ की कृपा हुई, उनकी इच्छा हुई, तो फिर कभी हम ऐसे ही आनंद लेंगे। आज जितने चंद क्षण हमारे और आपके बीच में बचे हैं, उसका सदुपयोग करते हुए चलेंगे मानस की एक परिक्रमा करने और रामचरित मानस कल के प्रसंग। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जा, देखते ही देखते देखो नौ दिन निकल गया, पता ही नहीं चला। कई लोग आज जो अंतिम दिन आए हैं, अब वो पछताएंगे कि भाई हम नौ दिन क्यों नहीं आए थे। हम यही होता है, जो अंतिम दिन आते हैं ना, बड़ा पश्चाताप होता है कि यार मैं नौ दिन क्यों नहीं आया, चुप गया। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई थी, बाद में कितने ही पछता। असल में जब मैं छोटा था, नौ साल की या आठ साल की अवस्था थी, तो हमारे गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। उस वक्त सत्यनारायण भगवान की कथा का बड़ा प्रचलन था। जब भी कोई उत्सव होता तो तुरंत सत्यनारायण भगवान की कथा बैठती, तो उसमें हर अध्याय के बाद ब्राह्मण देव एक शंख बजाते थे, तो ऐसा लगता था कि ये अध्याय पूरा हुआ। तो आठ अध्याय थे, तो हम सभी जो बच्चे बच्चे थे ना, अब हम लोगों को कथा से तो लेना देना था नहीं, हम लोगों का ध्यान तो प्रसाद पर रहता था। तो हम लोग वहां खेलते रहते थे और हर शंख को नोट करते थे कि कितना शंख बज गया। जैसे ही सातवां शंख बजा, हम लोग करीब आ जाते कि बस अब प्रसाद की बारी आने वाली, और आठवां बजते ही बस सीधे सत्यनारायण भगवान के पास। तो कई लोग आज भी उसी मानसिकता में जीते हैं कि भाई ठीक है, आठ दिन तो आनंद सब ले रहे, हम तो नौवे दिन चलेंगे कि प्रसाद बढ़िया मिलेगा। तो कई लोग तो प्रसाद के प्रेमी होते हैं, लेकिन यहां अगर जब उनको कथा का प्रसाद मिलता है ना, तब पछताते हैं कि हम नौ दिन कहां थे। हमने क्या जिंदगी भूल।
तुम चले जाओगे तो सोचे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। कथा विराम हो जाएगी, बाद में कई लोग पछताते हैं। अक्सर ये होता है प्यारे, जिंदगी का अनुभव लेते 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 जब हमें जीवन जीने का ढंग आता है तब तक मालिक का बुलावा आ जाता है। यही दुनिया का दस्तूर। शम्मा जो बुझ गई तो महफिल में रंग आया, शम्मा जो बुझ गई तब महफिल में रंग आया, जीवन गुजर गया तो अब जीने का ढंग आया। कई लोगों को बाद में होश आता है, अंतिम दिन होश आता है, लेकिन तब तक जीवन गुजर चुका होता है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद जितना मिल जाए प्यारे, क्षणो त्रैव सुदुर्लभ, एक क्षण भी सत्संग का बड़ा दुर्लभ होता है। आइए कल के प्रसंग पर हम आपको लेकर चलें, जहां भगवान गंगा के तीर पर केवट के द्वारा उस पार पहुंचे। बाबा तुलसी की चौपाइयों से जरा हम शुरू करें, सब सुनिए समझिए और गाइए। केवट उतरी दंडवत की नाव, केवट उतरी दंडवत की नाव, केवट उतरी दंडवत की नाव, केवट केवट को लगा कि भगवान चले ही जाएंगे, तब केवट ने सोचा कि चलो चलते चलते प्रणाम भी करें। साष्टांग दंडवत, तो देखो मेरे प्रभु का स्वभाव। केवट के सामने मालिक आज संकोच करने लगे। ये गरीब आदमी है बेचारा, लोगों को बहुत साथ, लोगों को गंगा से पार करता है, और आज मुझे पार किया, लोग इसको उतराई देते हैं, इसी से जीविका चलती है। सुबह से बेचारा हमारी प्रतीक्षा में था, मैं इसको क्या दूं, ना दूं वो भी ठीक नहीं है, और दूं भी तो दूं क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वनवासी रूप में आए हैं प्रभु, भगवान को जरा असहज होने लगे, ठाकुर संकोच करने लगे। अखिल ब्रह्मांड का मालिक आज संकोच कर रहा, मैं इस बेचारे को क्या दूं। लेकिन धन्य है हमारी जगदम्बा, बाबा तुलसी कहते हैं ठाकुर के हृदय की बात तुरंत समझ गए। यही की सिया दान निहारी,
सियादू समझ ले और सियादू की हाथ में सगाई की वह मुद्रिका थी, तुरंत निकाल कर प्रभु को दे दिया। मालिक ये केवट को दे दीजिए। भगवान के नेत्र सजल हो गए। पत्नी हो तो ऐसी, हाँ पति को बोलना नहीं पड़ा, क्या गहरा प्रेम है। प्रभु के मन में संकोच हुआ और सियादू समझ गई पति को कहना न पड़े और पत्नी उसके दिल की बात समझ जाए। वो पत्नी का स्वभाव, वो पत्नी प्रतिष्ठित है। एक पत्नी के रूप में वह नारी की धन्यता तुरंत समझ गई। प्रभु को मुद्रिका दे दिया, उतार कर प्रभु को दे दी। भगवान के नेत्र सजल हो गए। धन्य हो देवी। सियादू के प्रति भगवान के मन में और सम्मान बढ़ा। वो मुद्रिका लेकर भगवान केवट को देने लगे। कहे हो कृपाल ले हो केवट चरण गहा अकुला। केवट उसी समय अकुला गया, घबरा गया और भगवान के चरणों में लेट कर भगवान के चरणों को पकड़ लिया। नाथ मुझे डराइए ना। भगवान ने कहा कि केवट ये मैं भेंट दे रहा हूं तुम्हें, रख लो, उतराई नहीं, भेंट है मेरी ओर से। केवट ने कहा कि नहीं मारो। रो पड़ा केवट, मैं गरीब आदमी जरूर हूं मालिक, लेकिन वचनों से गरीब नहीं हूं। मैंने आपको वचन दिया था प्रभु, आपसे उतराई नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि केवट ले लो, मैं प्यार से दे रहा हूं, नहीं मालिक मैं आपसे पैसे, आप रघुवंशी हैं, आप यहाँ प्राण चले जाते हैं लेकिन वचन नहीं जाते। मालिक हम भी आपके छत्र छाया में रहने वाले आपकी प्रजा है, हमने भी हमेशा वचनों का आदर किया है प्रभु, मैं कैसे ले लूं किराए। और वैसे भी नाथ आज मुझे क्या नहीं मिला, जिसे राम मिल गया हो मेरे भाई बहन उसको और क्या चाहिए दुनिया में, जिसको ठाकुर मिल होगा, हाँ परमात्मा मिल जाएगा। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, क्या नहीं मिला मुझे, सब कुछ मिल गया। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, सब कुछ मिला प्रभु मुझे। भगवान बार बार कहने लगे कि नहीं कुछ ले लो। ध्यान देना, ये सारी दुनिया देकर के भी परमात्मा मिल रहे हो ना, ये सौदा कर लेना प्यारे, बड़े सस्ते में परमात्मा तुमको मिल रहे हैं। सारी दुनिया भी देकर मिले तो आ बांट ले ये कायनात। किसी सूफी के शब्द, आओ बांट ले ये कायनात ये दुनिया, एक तू मेरा बाकी सब तेरा, एक तुम मेरे हो जाओ बाकी सब तुम्हारा। प्रभु मिल जाए ये दुनिया की दौलत किसका, हाँ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम राम रतन धन पायो।
साहब कहते हैं हीरा पायो गांठ गठिया, बड़े प्यारे शब्द कबीर साहब। जब हीरा मिल रहा हो तो फिर कंकर पत्थर का क्या मोल। राम रतन फिर भड़क गए कि तेरे कहने का मतलब क्या है कि हम लोग भी केवट हैं क्या? तू केवट है और हम लोग भी केवट है, हम क्षत्रिय हैं। केवट ने हंसते हुए कहा कि लक्ष्मण भैया आप क्षत्रिय हो सकते हैं लेकिन मेरे भगवान तो केवट ही हैं। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल हुए जा रहे, कितनी हिम्मत तेरी भगवान को केवट बना रहा। केवट ने कहा कि हां मालिक मेरे सरकार को पूछिए, वो भी केवट हैं क्योंकि मैं गंगा से पार करता हूं और मेरे सरकार भवसागर से पार करते हैं। हम दोनों की जाति एक है, हम दोनों पार करने वाले हैं। तो क्या जाति वाले से पैसे लेंगे? हाँ। और दूसरी बात, आप फ्री में पार नहीं होना चाहते ना, कोई बात नहीं, एक सौदा कर लेते हैं। चलो, लक्ष्मण जी ने कहा कौन सा सौदा? बोले सौदा ये, आज आप लोग मेरे गंगा के तीर पर आए हैं, मैं आपको फ्री में पार कर रहा हूं, उतरा ही नहीं मांग रहा हूं। बोले हाँ। तो केवट ने कहा मालिक कल जब मैं भव सागर के किनारे आऊं ना तो आप भी मेरे से उतरा ही मत मांगना, फ्री में पार कर देना, मुझे भी हिसाब बराबर हो जाएगा, हम दोनों का हिसाब बराबर, हम भी फ्री में कर दे और आप भी फ्री में कर दो। लक्ष्मण जी मुस्कुरा दिए,
केवट की बातों में बड़ा प्यार भरा हुआ है। और जब भगवान चलने लगे ना, तब केवट भगवान के चरणों को पकड़ कर रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा, नाथ मुझे अपने साथ ले चले, आपकी कृपा से मैंने अभी तक प्रतीक्षा किया था यहां बैठकर, अब वियोग कैसे सहन कर पाऊंगा, मुझे साथ ले चले। केवट रोने लगा, जाऊं कहां चरण तुम्हारे, रोने लगा केवट, जाऊं कहां तरी चरण तुम्हारे, प्रेम कहे
भगवान जिससे मार्ग पूछे, बाबा आप बताइए हम किस मार्ग से जाएं। हम सभी को मानो भगवान ने उपदेश दिया, ध्यान देना, यह जीव संसार से पार उतरने का मार्ग पूछना हो ना तो हमेशा किसी साधु से पूछना, किसी संत को पूछना, भरतवाद जैसे किसी मुनि को पूछना, क्योंकि संत परमार्थी होते हैं, स्वार्थी नहीं होते। दुनिया के लोग तो प्यारे बड़े स्वार्थी हैं, हाँ, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं। अपने स्वार्थ के चक्कर में हो सकता है तुम्हें मार्ग भटका दे, इसलिए हमेशा साधु से मार्ग पूछें। जो उस मार्ग पर चल करके मंजिल प्राप्त कर चुका है मार्ग उसी से पूछना, दुनिया से नहीं। कभी भी अध्यात्म का मार्ग पूछना है ना तो किसी संत को पूछना। आज यही तो हो रहा है, दुनिया में कई लोग अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए भोले भाले लोगों को भटका रहे, किसी को मंजिल का पता नहीं, ये कर लो ये कर लो ऐसा कर लो, ये मंजिल कर लो वैसा, चले जाओ वहां चले जाओ, और आदमी केवल भटक कर रह जाता है बेचारा। इसलिए मेरे भाई बहन, आप सभी गांव के ग्रामीण क्षेत्र के हैं, ऐसे ठगों से जरा सावधान रहना, किसी अच्छे संत से मार्ग पूछना, हरि का मार्ग, भव सागर पार होने का मार्ग, हर किसी से नहीं। आजकल बहुत सारे ठग संसार में घूम रहे हैं, जो साधु के कपड़े पहन लिए और ऐसे साधु वेश में घूम रहे, ऐसे ठगों से सावधान रहो प्यारे। जिनका पूरा का पूरा ध्यान तुम्हारे पैसे पर होता है, दक्षिणा पर होता है, ऐसे लोगों से सावधान रहो। साधु तुम्हारे धन का भूखा नहीं होता, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो धन का भूखा फिरे फिर वो तो साधु नहीं, साधु तो भाव के भूखे होते हैं। संसार में ऐसे ठग बहुत हो गए, ठगों से सावधान रहो। हरि का मार्ग किसी साधु से पूछोगे ना तो साधु वही मार्ग बताएगा जो वेदों में वर्णित है, चारों वेदों ने जो मार्ग दिखाया है वो मार्ग तुम्हें दिखाएगा कि बेटे ऐसे मार्ग पर चलो परमात्मा मिल जाएंगे। मुनि बटचार संग तब दीने, मुनि बटचार, चार ऋषियों को दिया कि प्रभु ये जहां जहां जाए आप इनके पीछे चलना, ये आपको मार्ग दिखाई, और भगवान दुनिया को ये उपदेश देकर उन चार ऋषियों के पीछे पीछे चले। यमुना स्नान करते हैं भगवान और खड़े हुए उन चारों को विदा कर दिया कि बाबा बस आगे का मार्ग हमें पता है। मतलब ये हुआ, सीधी सी बात, आप किसी साधु के पास जाओ, भव सागर पार होने का मार्ग पूछ लो, साधु जन क्या करते हैं आपको शास्त्र दे देते हैं कि ये शास्त्रों में जो लिखा है उसके आधार पर चलो, तो तुम्हारा कर्तव्य यह है कि कुछ समय तक शास्त्रों का आधार लेकर चलते रहो, बाद में शास्त्रों को भी छोड़ देना चाहिए। शास्त्र केवल एक सहारा है, मंजिल नहीं है, ध्यान देना। मंत्र तुम्हारा एक माध्यम हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल तो तब मिलेगी जब इन सबसे ऊपर चलते 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 और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचो। अब जैसे मथुरा से कोई बयाना आए और वहां बोर्ड में लिखा रहता है कि बयाना 25 किलोमीटर, तो उस पत्थर पर जहां लिखा है कि बयाना 25 किलोमीटर,
अब कोई आदमी गाड़ी से उतर जाए, क्या है बस बयाना तो आ गया भाई, पत्थर पर लिखा है ना बयाना, बस हम बयाना आ गए। तो जहां ये लिखा है कि बयाना 25 किलोमीटर, वहां बयाना नहीं है। जहां 1 किलोमीटर भी लिखा हो वहां भी बयाना नहीं है। जब चलते 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 बयाने में उस जीरो का सिंबल आ जाए तब समझना कि अब हम बयाना पहुंचे। ऐसे ही चलते 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 जब तक मंजिल ना आ जाए तब तक शास्त्र मंत्र ये सब सहारा है। वहां पकड़ कर बैठ मत जाना, मंत्र मिल जाए और तुम नाचने लग जाओ कि बस हमको तो खुदा मिल गए, नहीं, अभी मंत्र मिला है तुम्हें, अभी माला मिली है, ठाकुर नहीं मिले, यात्रा अभी और बहुत ऊंची है। एक समय के बाद शास्त्रों को भी छोड़कर आगे बढ़ जाना होता है। भाई सीधी सी बात है, कोई नदी तुम्हें कोई नाव नदी पार करा दे तो पार होते ही फिर नाव छोड़ देना। हाँ, अब नाव को सिर पर लेकर कोई ढोता थोड़ी है कि आह इस नाव ने हमको नदी पार कराई, कितनी अच्छी है बिचारी, चलो अब इसको सिर पर लेकर ढोए, नहीं, नदी पार कर लिए काम हो गया, बस दुल्हा दुल्हन मिल गए, अब फीकी पड़ी बारात, नदी पार कर लिए प्यारे, फिर अब उस नाव की क्या करें। हाँ, इशारा मिल गया, रास्ते दिखाई देने लग जाए, फिर तुम्हें शास्त्र की क्या जरूरत, शास्त्र को पकड़ कर बैठे मत रहना। भगवान उन चारों ऋषियों को विदा कर दिए, फिर भगवान वहां से और आगे बढ़े, चलते चलते बीच से भगवान ने निषाद राज गुह को भी विदा कर दिया। अब भगवान सीता जी के साथ लक्ष्मण जी के साथ अकेले ही आगे बढ़ रहे हैं। मार्ग में चलते 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 बहुत सारे कौल भी भगवान का दर्शन कर रहे हैं और भगवान सभी को बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। कुछ दूर आगे बढ़े, दोपहर का समय हो गया, सियालू के पांव जलने लग गए, गर्मी का महीना और कड़कती धूप, सियालू को तकलीफ होने लगी तो भगवान एक वृक्ष के नीचे ठहर गए, रुक गए। तो जब भगवान रुके तो वहां बहुत सारे कौल भी भगवान के दर्शन के लिए आए, जंगलों से निकलकर, अपने अपने घरों से निकलकर, और सब भगवान को देख करके सोच रहे कि इतना सुंदर बालक कौन है, पहली बार इतने खूबसूरत बच्चों को देखा है। तो जो बूढ़ी माताएं हैं ना वो सब मन में अंदाजा लगा रही हैं, सोच रही हैं कि कौन होंगे ये, और इतने सुंदर बालक को कि माता पिता कौन होंगे, और माता पिता इतने सुंदर बच्चों को जन्म देने के बाद क्या उनको क्या हो गया, ऐसे बच्चों को बन देती है। ते पित मात कहम सखी कैसे, जिन पटेल बन बालक ऐसे, कौन होंगे इनके माता पिता, ये सब सोच रहे थे। तो वहां बहुत सारी माताएं भी आ गई थी, तो उन माताओं को देख करके सीता जी को लगा कि चलो इनके साथ थोड़ी देर में बैठ जाती हूं। तो माताओं के पास सीता जी खुद चली गई। अब सीता जी को देखकर माताएं इतनी खुश हो गई, लेकिन गांव की भोली भाली माताएं बिना पढ़ी लिखी थी वो सब, तो उनको बड़ा संकोच लग रहा था सीता जी से बोलने के लिए कि मैं कैसे बोलूं, तो पूछेंगी कोई भगवान के विषय में पूछेगी। सीता जी ने कहा कि बोलो कि क्या क्या जानना है। तो माताओं ने सीता जी से पूछा, हे देवी, वो जो सांवले सरकार है वो रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं। सीता जी ने सोचा कि ये पूछने के लिए इतना मंत्र जपा जा रहा था। हाँ, जब सीता जी को पूछा ना कि वो रिश्ते में तुम्हारे क्या लगते हैं, तब सीता जी को बहुत संकोच हो गया, बड़ी शर्मा गई सीता जी। तो शर्माते हुए सीता जी ने कैसे परिचय दिया, यह देवियों वो जो गोरे वाले हैं ना छोटे वाले,
वो रिश्ते में हमारे देवर लग गए। नाम लखन लघु देवर, वो मेरे देवर है। सीताजी ने सोचा कि भाई ये बता दूं कि वो मेरे देवर लगते हैं तो समझ ही जाएंगे कि फिर वो क्या है। लेकिन माता है कि दो कदम आगे बोले, नहीं नहीं उनका नहीं पूछा था, वो जो श्याम वाले हैं उनका पूछा था मैंने। तब सीताजी को खुलकर कहना पड़ा कि वो मेरे पति देवता हैं। माताओं को ऐसे थोड़ा अच्छा लगा सीताजी से बातें करके, बड़ी प्रसन्न हुई सब। फिर भगवान सबको दर्शन देके वहां से और आगे बढ़े, चलते 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 वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर पधारे। वाल्मीक मन आनंद भारी, वाल्मीक मन आनंद भारी, वाल्मीक मन आनंद भारी, वाल्मीक मन आनंद भारी, मंगल और ब्रह्म समान हो गए। भगवान के रास्ते पर चलने के लिए जरूरी नहीं कि कार्य तुम पढ़े लिखे हो, कोई भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हाँ, अब देखो ना वाल्मीकि जी को, उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना, आश्रम पर भगवान एक रात विश्राम करते हैं और दूसरे दिन वाल्मीकि महाराज से रहने के लिए स्थान पूछा। मैं कहां रहूं? हां, इसका मतलब ये है आपको कहां बैठना है, किस स्थान पर आप निवास करें। हर स्थान रहने के योग्य नहीं होता प्यारे, इसलिए कैसा स्थान हो जहां पर हम निवास कर सकें, रह सकें, साधना कर सकें, वो स्थान भी किसी वैज्ञानिक ऋषि को पूछना चाहिए। हाँ, भरद्वाज भाव मूर्ति हैं, आगे का मार्ग पूछा। वाल्मीकि जी परम वैज्ञानिक हैं, इसलिए उनसे रहने का स्थान पूछा। हर संत से अलग अलग बातें हमको सीख लेनी चाहिए। हाँ, कोई कर्म के सिद्धांत बताते हैं, कोई ज्ञान की उपासना बताते हैं, कोई भक्ति विषयक बातें करते हैं, हर तरह से हमें ज्ञान से परिपूर्ण हो जाना चाहिए। बाद में तुम खुद निर्णय करना कि तुम्हारा जो धर्म स्वभाव है कर्मकांडिक है, ज्ञानोपासक है या भक्ति परक है, निर्णय करके खुद उस पर चल। तो एक संत को भगवान ने मार्ग पूछा और दूसरे संत को रहने का स्थान पूछा। बाबा आप बताइए मैं रहूं कहां निवास करूं, कहां मैं वास कर सकूं। तब वाल्मीकि ऋषि ने, वैसे तो भगवान को 14 स्थान बताए कि प्रभु यहां 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 ऐसे जगह आप रहिए, तो भगवान ने, मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको, तो भगवान ने कहा बाबा इन सब 14 जगहों पर तो मैं पहले से ही विराजमान हूं। तब वाल्मीकि जी ने हंसते हुए कहा कि मालिक आप मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहां रहूं। हाँ, लगता है आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। हे राघव,
मेरी नजरें आपको पहचान रही हैं। आप स्वयं ब्रह्म हैं, आदि अंत को उदास न पावा, हाँ मति अनुमान निगम असगा, बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आंगन रहित सकल दस भोगी, बिनु वाणी वक्ता वर योगी। ऐसे परमात्मा स्वयं साकार बनकर आए हैं मालिक, मेरी नजरें आपको पहचान रही हैं। मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं, पहले आप ये बता दीजिए मालिक कि आप कहाँ नहीं हैं, हाँ कहाँ नहीं है परमात्मा। एक बार एक शराबी ही मस्जिद में घुस गया और वहां मस्जिद में शराब पीने लगा, तो मस्जिद के मौलवी ने उसको डांट लगाई कि नालायक, यहां खुदा ताला के दरबार में शराब पी रहा है, नापाक हरकत कर रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? खुदा ताला यहां खुद निवास करते हैं। तो कहते हैं कि वो शराबी पहुंचा हुआ फकीर था, उसने मौलवी से पूछा वाइद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वाइद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, वरना ऐसी जगह बता दे जहां खुदा ना, कहां लेंगे खुदा। गुरु नानक देव के विषय में ऐसी कथा आती है कि गुरु नानक देव पहली बार मक्का गए, जहां हमारे मुस्लिम भाई सब हज करने जाते हैं, वहां उस पवित्र स्थान पर मक्का गए, तो रात्रि का समय है और थके हुए थे बाबा और सो गए, तो रात्रि में एक जो जागरण करने वाला चौकीदार होता है, कुछ लोग वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि मक्का की तरफ पांव रख करके सोए हैं, बोल रहा है बाबा दिखाई नहीं देता ये खुदा ताला के दरबार की ओर तूने पांव रखा है, अरे उधर तो सिर रखना चाहिए तुझे। गुरु नानक देव ने कहा कि भैया बूढ़ा हूं, थका हुआ बहुत हूं, एक काम करो ना, मेरे पांव पकड़कर तुम खुद ही उधर कर दो जिधर मक्का नहीं। आपको आश्चर्य होगा, उसने पांव पकड़ा दूसरी तरफ घुमाया तो देखा कि मक्का उधर ही घूम गया, फिर जिधर जिधर उनका पांव रखा मक्का उधर उधर कर घूमता जा रहा था, और आखिर में उसने चरणों में पकड़कर साष्टांग लेट गया कि फकीर तू कौन है, बता मुझे अपना परिचय दे। गुरु नानक देव ने कहा कि मैं तो उसका दास हूं, लेकिन इतनी बात याद रखना खुदा सर्वत्र निवास करता है, खुदा ताला हर जगह मौजूद है, कहीं एक स्थान पर नहीं, सर्वत्र है, ईश्वर सर्वभूतान, कहां नहीं है प्रभु। हाँ हर देश में तुम, हर वेश हर देश में तुम, हर वेश में तुम, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे नाम अनेक तो एक ही है, तेरे रूप अनेक तो एक अनेक रूपों में पर्वतों पर वृक्षों पर नदियों में सर्वत्र विहित है। सागर से उठा शाबन
के बड़े अद्भुत संग टुकड़ो दे महाराज, ये उनकी कविता है। क्या भाव दर्शाया इस कविता में, वही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। मिट्टी से चित्रकूट गिरी करहु निवास।
जहाँ तुम्हार सब भांति सुख। हे प्रभु, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक चित्रकूट वन है, पर्वत है, आप वहां हैं। आपके योग्य रहने का स्थान वो है प्रभु। और भगवान महर्षि वाल्मीकि की आज्ञा लेकर चित्रकूट में आते हैं और यहाँ भगवान कुटिया बनाकर निवास करने लगे। दूर दूर से संत महात्मा लोग उनके दर्शनों के लिए वहां आने लगे। भगवान सभी को बड़ा प्यार देते हैं, कौल भीलों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार बांटा प्रभु ने। और इस प्रकार जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती हैं, आंखों की देखभाल करती हैं, ऐसे ही सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान को संभालते हैं। फिर भी कभी कभी प्रभु को अवध की याद आ जाती है, माँ कौशल्या की याद आ जाती है, तो भगवान के मित्र सजग हो जाते हैं, प्रभु रोने लगते हैं। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये दो ऐसे हैं इंसान मरते मरते भी इन दोनों को भूल नहीं पाता। हमारी जो जनिता है जननी जन्मभूमिश्च, यह दोनों स्वर्ग से भी महान। माँ की गोद माँ का आंचल स्वर्ग से भी बड़ी। हमारे मुनव्वर राणा साहब बड़े अच्छे शायर, उनकी शायरी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, जुबान पर उसके होठों पर, लबों पे उसके कभी बददुआ नहीं होती, एक माँ ही तो है जो हमसे कभी खफा नहीं होती, एक माँ ही। ये दोनों स्वर्ग से महान। भले ही इंसान संन्यास में क्यों न चला जाए, लेकिन कभी जब माँ की याद आती है तो वहां मित्र सजग हो जाते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब वार विलोचन बरही, आंखों में अश्रु धार बह जाते हैं प्रभु के। बाद में सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान को संभालते हैं, क्योंकि जब भगवान रोते हैं ना तो पूरा वन रोने लग जाता है। तो खुद ही प्रभु अपने आप को संभालते हैं, सबको संभालते हैं। इस तरह से वर्णन करते करते बहुत काल बीत गया और यहाँ बाबा कृषि ने कथा के क्रम को मोड़ा। कहे हो राम बन गवन सुहा, अब इधर राम जी के जाने के बाद अवध का क्या हुआ, अब वह समय। जब निषादराज विदा होकर लौट कर श्रृंगवेरपुर आए तो देखा अभी भी अयोध्या के महान उठ गई, क्योंकि निषादराज अकेले आ गए। कहा महामंत्री जी, अभी तक आप अयोध्या गए नहीं। सुमंत ने कहा कि हे निषाद, तुम तो जानते हो मैं खाली रथ लेकर अयोध्या कैसे चला गया। महाराज अवधेश बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और कहीं भगवान के वियोग में महाराज के प्राण में निकल जाए, अब हिम्मत नहीं हो रही है निषादराज। मैं तो सोच रहा हूं 14 वर्ष के बाद जब प्रभु लौटे तब उनको इसी रथ पर बिठा कर फिर से मैं अयोध्या जाऊं, किस मुंह से अयोध्या जाऊं। तब बरबस समझा कर बुधा कर सुमंत को भेजा, महामंत्री जी इस वक्त महाराज के ज्येष्ठ पुत्र भी वहां नहीं है, भरत जी भी वहां नहीं है, एक आप ही तो अवध के सहारा, आपको जाना चाहिए महाराज।
तब सुमंत चलने को राजी तो हुए, लेकिन जब रथ पर बैठ कर चले हैं ना, बाबा तुलसी के क्या वर्णन की। चर फराही मज चल ही न गो, जिस रथ पर भगवान बैठ कर आए थे उसमें जो घोड़े लगे हैं ना, अब उन घोड़ों को भी अयोध्या जाने का मन नहीं। क्या प्रेम था प्रभु से लोगों का, क्या युग था। पशु पक्षी भी कितने समझदार थे, कितना अनुभव उनको था। वो घोड़े बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता लग गया भगवान वन की यात्रा कर गए हैं, अयोध्या लौटने का मन। पांव लड़खड़ा रहे हैं उन घोड़ों के भी। चर फराही मग अब चल ही न हो, बार बार वह घोड़े पीछे उठ कर प्रभु की तरफ देख रहे थे। कदाच भगवान उधर से आते हुए दिखाई पड़ जाए, उन घोड़ों से भी चला नहीं जा रहा। और उस वक्त सुमंत की क्या स्थिति है, जैसे कोई गरीब बाप अपने बच्चों की शादी के लिए विदेश गया हो, दूसरे देश गया हो, और करीब 20 साल के बाद अपनी बेटी की शादी के लिए धन एकत्र करके लौट रहा हो, और बीच में कुछ समंदरी लुटेरे उसको लूट ले, तो आज उस लुटे हुए बाप की जो स्थिति होती है, ऐसे उदास होकर सुमंत लौट रहे मानो पूरा खजाना लुट गया हो। शाम होने चली गई, अवध में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अवध के बाहर एक वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा कर रहे थे, दिन में चलूंगा और लोग खाली रथ देखेंगे, लोग व्याकुल हो गए, मुझे गालियां देंगे कि सुमंत कितना कठोर है, छोड़कर आ गया। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा लोगों, इसलिए दिन भर एक वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा किए। शाम हो, सूर्य अस्ताचल को गए, निशा जमीन पर उतरने लगी, पक्षी घरों में की ओर लौट चले, और धीरे 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 जब अंधेरा होने लगा, तब सुमंत रथ लेकर अवध की ओर चले। भीतर से कंपक हो रहा है, हृदय कांप रहा है, जा तो रहा हूं अब महाराज का क्या हो, अवध की प्रजा का क्या हो। सोचा था कि रात हो जाएगी तो सब अवध के लोग सो जाएंगे, उस वक्त रथ लेकर प्रवेश करूंगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है प्रभु के नाने के बाद अवध के लोगों की क्या स्थिति। निश दिन बरसत नैन भगवान के जाने के बाद अवध की प्रजा को नींद नहीं आई। Oh,
आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो अवध का क्या हो। लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर। राम राम बोल रहे थे, राम 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 मुख से निकल रहा था, अचानक 6 बार ही राम का नाम बोल पाए थे और बाबा कृष्ण कहते हैं राम राम कही राम खामोश हो गई। कौशल्या की गोद में सिर लुढ़क गया, माँ कौशल्या घबरा गई। महामंत्री जी देखिए महाराज को क्या हुआ। महामंत्री दौड़े, हृदय पर हाथ रख कर देखा, हृदय ने धड़कना बंद कर दिया, रो पड़े फूट फूट कर, महारानी अनर्थ हो गया, महाराज अवधेश हम सबके बीच अब नहीं रहे। और फिर जो दुख अवध में आया मेरे भाई बहन, शब्दों में बयां करना कठिन है। मां कौशल्या विधाता की ओर हाथ उठाकर कहने लगी, विधाता अभी और कितने प्रहार अवध पर बाकी। महाराज वशिष्ठ जैसा इतना बड़ा ज्ञानी रो पड़ा, ए विधाता ऐसे राजा की आवश्यकता थी राष्ट्र, तूने इतनी जल्दी ऐसे राजा को क्यों उठा लिया। और फिर ऐसी कथा है, श्री भरत जी को कई कई देश बुलाने के लिए दूतों को भेजा जाने लगा, महाराज के शव को तेल की नौका में सुरक्षित रखा गया। जब दूत चलने लगे ना, तब माँ कौशल्या रोती हुई आई, गुरुदेव वशिष्ठ को कहने लगी, हे गुरुदेव इन दूतों से कह दो मेरे भरत को राम वन की बात नहीं बताएंगे, मेरा भरत पिता की मौत तो सहन कर लेगा लेकिन राम वन मेरा भरत सहन नहीं कर पाएगा, कहीं ऐसा ना हो गुरुदेव राम विरह की आंधी मेरे भरत रूपी दीप को बुझा दे। महाराज अवधेश हमेशा कहते थे कि राम रघुकुल का मणि है और भरत रघुकुल का दीपक है, मणि स्वयं प्रकाशित होती है गुरुदेव, उसको कोई आंधी बुझा नहीं पाती है, लेकिन दीपक को डर होता है कि राम के विरह की आंधी भरत रूपी दीपक को कहीं बुझा न दे। और यहां जब से भगवान बन गए थे, भरत को ननिहाल में बहुत अपशकुन हो रहा था, भयानक सपने आ रहे थे श्री भरत जी को, अपशकुन हो रहा था, मन बड़ा घबराया हुआ था श्री भरत जी का। और अचानक दो दूत पहुंचे हैं और दूतों के चेहरे पर भी आज खुशी नहीं। भरत जी का मन और आशंकित हुआ, पूछा भैया अवध में सब ठीक तो है ना। ये सुनते ही दोनों दूत फूट फूट कर रोने लगे, भरत जी सब ठीक है, आप देर मत करिए चलने में, कहीं बात और न बिगड़ जाए, श्री भरत भैया आप अयोध्या चलिए। भरत का मन घबराया कि आप लोग रो क्यों रहे हैं। तब दोनों दूतों ने कहा कि भरत जी बस बहुत दिनों के बाद आपको देखा ना, खुशी के आंसू आ गए, और कोई बात नहीं भरत जी चलिए अयोध्या। और भरत जी तुरंत ननिहाल से निकले
मार्ग में बहुत सारे अक्षुकम हो रहे हैं भरत को। भरत का मन बड़ा घबराया जा रहा है, क्या होने वाला। अयोध्या में प्रवेश किए, अयोध्या की पूरी गलियां उदास, लोगों के चेहरे पर आज वो प्रसन्नता नहीं, बच्चों में चंचलता नहीं दिखाई दे रही है। गौशालाओं में गायें रो रही हैं, घास सामने पड़े हैं, रो रही हैं गायें। सरदू नदी आज तरंगायित नहीं हो रही थी, शाम बह रही है सरदू। अयोध्या में जो चमक थी, जो प्रसन्नता दिखाई देती थी, आज भरत को सब उदास उदास दिखाई दे रहा था। और तब भरत जी ने दूतों से कहा कि मेरे रथ को माँ कैकेयी के महल पर लेकर चलिए। इसलिए नहीं कि कैकेयी माँ से मिले थे श्री भरत, नहीं, बल्कि इसलिए कि बचपन में कभी भी खेल कर श्री भरत जी जब लौटते थे ना, तो भगवान राम माँ कैकेयी के महल पे ही मिलते थे। इतना प्यार करते थे प्रभु माँ कैकेयी को। भरत जी ने सोचा कि पहले राम दर्शन कर लूं, बाद में सबसे मिलूंगा। माँ कैकेयी द्वार पर खड़ी हैं, अयोध्या पूरी उदास। माँ कैकेयी चेहरे पर थोड़ी नकली हंसी लेकर खड़ी हुई थी। भरत जी आए, माँ को वंदन किए और प्रणाम करते ही भरत का एक ही प्रश्न, माँ आज प्रभु नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ है। तब माँ कैकेयी ने कहा, बेटे यही होंगे, अभी आते ही होंगे। नहीं माँ, मैं देख रहा हूं कि सारी अयोध्या उदास है, तेरे चेहरे पर भी जो खुशी है वो बनावटी है माँ। और ये बोलते बोलते अचानक भरत जी की नजर मां के सिंदूर पर गई। मां के मांग में आज सिंदूर न था, और ये देखते ही भरत अवाक रह गए। मां, ये मैं क्या देख रहा हूं, तेरे मांग में सिंदूर नहीं है। तब मां कई कई फूट फूट कर रो पड़ी, भरत अब तेरे पिता नहीं रहे पुत्र। और ये सुन दे ही तात तात हाँ तात पुकारी, तात तात हाँ तात पुकारी, पर जैसे तैसे संभाल कर श्री भरत जी खड़े हुए। पूछा, माँ मेरे पिता इतने अस्वस्थ नहीं थे, कोई रोग न था मेरे पिता को, क्या बात हुई माँ अचानक। तब कैकेयी ने कहा कि पुत्र सब बात बिगड़ने वाली थी, लेकिन उस बेचारी मंथरा ने थोड़ी सहायता कर दी, सब बात बन गई। बात ऐसी है कि मैंने तेरे पिता से दो वरदान मांगा था। पहले वरदान में तेरे लिए मैंने अयोध्या की गद्दी मांग ली, और राम के लिए मैंने 14 वर्ष का वन मांगा। राम वन सुनते ही भरत ही बिसरे पितू पिता की मौत बोल गए भरत। और फिर श्री भरत जी ने क्या फटकार लगाई है कैकेयी को, कि वर मांगते समय तेरे मन में जरा भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ कट करके गिर क्यों नहीं गई, क्या बिगाड़ा था मेरे प्रभु ने तेरा।
हे विधाता, ऐसी माँ के कोख से जन्म देने से अच्छा होता मुझे पैदा ही किया होता तुम। जाओ कहीं कहीं, तूने संसार के सामने भरत को राम विरोधी बना दिया ना, तो मैं आज से संकल्प लेता हूं कि जब तक मैं जीऊंगा तू मेरी माँ नहीं और ये भरत तेरा बेटा नहीं। और भरत जी ने कई कई माँ का त्याग कर दिया और बाबा तुलसी ने यहां इस बात में मुहर लगाई है कि जिसको राम प्रिय ना हो उसे तो छोड़ ही देना चाहिए। हाँ, दाके प्रिय न राम कार्य होना चाहिए तीन तीन चार चार बार कर रहे हैं श्री भरत।
एक एक क्रिया को दोहरा रहे। फिर एक दिन अवध में सभा लगी। सभा में श्री भरत जी को सभी ने दबाव दिया। तब श्री भरत एक ही बात खड़े होकर बोले कि हे अवध के लोगों, आप सभी मुझे दबाव बना रहे हैं कि मैं राज्य कबूल कर लूं, सत्ता कबूल कर लूं, लेकिन एक बात बताइए, क्या वचन निभाना ही सभी का धर्म होता है? यदि हाँ, तो फिर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोगों ने पहले वचन क्यों नहीं निभाया, अपना धर्म क्यों नहीं निभाया? गुरुदेव ने कहा, भरत क्या बोल, मैं सत्य बोल रहा हूं गुरुदेव, पूछिए अवध के लोगों को, राज्य महल के हमारे परिवार के लोगों को, मंथरा ने मेरी मां को क्या सिखाया, सुत ही राज राम ही वनवासु, और मेरी मां ने भी जब मांगा तो देह एक बार भरत ही टीका, बाद में 14 वर्ष राम वनवास, तो समझाने और मांगने का जो क्रम था उसमें पहले भरत को गद्दी दी जानी थी, बाद में राम के लिए वन था। जब ये क्रम था ही तो आप लोगों ने ये क्रम क्यों तोड़ा? पहले भरत को गद्दी पर बिठाना चाहिए ना, और एक बार मैं गद्दी पर बैठ जाता तो देख लेता मेरे प्रभु को कौन भर भेज सकता। आप लोगों ने ये क्रम नहीं निभाया। और दूसरी बात, आप सभी मुझे दबाव दे रहे हैं कि मैं अवध की सत्ता को संभालूं। हे गुरुदेव, हे माता, जिसके नस नस में रक्त के हर बूंद में रोग बसा हो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो बाद बसन बिन भूषण भारू, बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू, मन में त्याग वैराग्य की भावना ही न हो तो ब्रह्म की बातें करने से क्या। हाँ, किसी महिला का बहुत सारा श्रृंगार किया जाए, बड़े सुंदर आभूषण पहनाए जाए, लेकिन वस्त्र के बगैर जैसे सारे आभूषण फीके हैं, ऐसे ही अयोध्या में राम जी नहीं है तो मेरे लिए सब अयोध्या बेकार है। मेरी इच्छा यह है गुरुदेव, एक बार प्रभु राम के चरणों में चलकर बैठकर प्रार्थना कर लूं, फिर मेरे प्रभु जो मुझे कहें वो मुझे मानिए। ये बात भरत की सबको अच्छी लगी। कहा, भरत मैं भी तेरे साथ चलूंगा। माँ कौशल्या ने भी कह दिया कि भरत बेटे मैं भी तेरे साथ चलूंगी। और फिर तो अवध के बड़े बुजुर्ग बड़ी सब भरत जी के साथ हो लिए। भरत भैया, हम भी आपके साथ राम दर्शन के लिए चलेंगे। और बहुत बड़ा समाज श्री भरत जी का राम दर्शन के लिए निकल। इसका मतलब ये हुआ कि सबके मन में राम दर्शन की कामना होती है। हाँ, लेकिन हमें भरत जैसा संत नहीं मिल पाता ना, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें भी भरत जैसा संत कोई मिल जाए और हमारी उंगली पकड़कर भगवान के चरणों तक ले जाए, काश ऐसा कोई संत हमें मिले। कहीं से भी कैसे भी किसी को भी भगवान तक पहुंचा देना, यही तो संत का कार्य है। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, संत का ये कार्य। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भार, सदा कृपालु सकल जीवन पर, सदा स्वामी।
भगवान के चरणों से मोहब्बत करा दे, यही संत का राष्ट्रीय कार्य है। श्री भरत जी सबको लेकर आते हैं चित्रकूट, भगवान से बातें होती हैं, दर्शन हुआ प्रभु का, संक्षेप में आपको बता रहा हूं। 3 दिन तक वहां बैठक चलती रही लेकिन कोई निर्णय न हुआ। जनक महाराज भी वहां पधारे हैं, उनकी अध्यक्षता में भी बैठक हुई, कोई निष्कर्ष न निकला। तब प्रभु ने खुद श्री भरत को बुलाकर कह दिया कि भरत भाई, 14 वर्ष की बात है मेरे भाई, 14 वर्ष के बाद तुम जैसा कहोगे मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन इतना तो सोचो कि जिस पिता ने एक वचन की खातिर अपना प्राण अर्पित कर दिया, हम उसके पुत्र उसके वचनों का आदर न करें, मेरे पिता को कितनी चोट लगेगी, कितनी तकलीफ होगी। भरत बेटे, 14 वर्ष की बात है, तुम अयोध्या को संभाल लो, मैं वन को संभाल लेता हूं, फिर आकर जो मुझे कहोगे मुझे मान्य हो जाएगा। भरत जी समझ गए प्रभु अयोध्या लौटेंगे नहीं, इसलिए राज्याभिषेक की सारी सामग्री एक कुएं में अर्पित कर दी गई और फिर अत्रि महाराज को प्रणाम करके श्री भरत चलने लगे ना। तब प्रभु को करुणा हुई और भरत को बुलाकर अपने पास हृदय से लगाया और कृपा करके भगवान ने भरत को अपनी पादुका दी। भरत, ये मेरी पादुका है। तो बाबा तुलसी कहते हैं वो पादुका श्री भरत जी को पहनने के लिए दी, लेकिन भरत ने क्या किया, प्रभु करी कृपा पावरी सागर भरत कहा, प्रभु आपने अपने हाथों से दी है ना, और भगवान के हाथ से कोई भी चीज मिल जाए ना वह प्रसाद हो जाती है, और प्रभु प्रसाद को पांव में नहीं उसको तो सिरोधारी ही करना चाहिए ना, इसलिए मैंने सिर पर रखा। श्री राम जय राम जय अयोध्या गए। सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए, सई उतरी गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम भगवान के दोनों पादुकाओं को ही सिंहासन पर विराजमान कर दिया और सब ठीक करके राज्य की व्यवस्था को, और एक दिन श्री भरत जी भी अयोध्या को छोड़कर निकल दिए। थोड़ी दूर पर एक ग्राम है नंदीग्राम, श्री भरत वहां आकर के निवास करने लगे और उसमें भी
धरती के नीचे धरती को खोद करके वहाँ नीचे रहते हैं श्री भरत। क्योंकि भगवान जिस जगह पांव रखें वहाँ मेरा सिर होना चाहिए, ये भावना रहती है श्री भरत की। तो बगीचे में भंवरा रहता, चंपा तुझ में तीन गुण रूप रंग अरुवास, अवगुण तुझ में एक है भंवरण आवे पास। चंपा कभी भंवरे को अपने पास महसूस नहीं करती, भंवरा चंपे के पास चंपा के पास नहीं जाता। तो जैसे चंपा के बगीचे में भंवरा रहे, ऐसे ही श्री भरत संपदाओं के बीच में रहने लगे। और यहाँ पर बाबा तुलसी ने भरत चरित्र के साथ ही अयोध्या कांड को भी विराम किया। सिय राम प्रेम भगवान के पास जाने की हिम्मत कौन लगा। हाँ तुलसी मेरे जैसे जीव को काम एक दिन भगवान वन में अत्रि महाराज के आश्रम पर पधारे। माता अनुसुईया से सीता जी ने शिक्षा ली पतिव्रत धर्म का। जयंत पर कृपा की भगवान ने वह कथा सुनाई और फिर सर्वभंग ऋषि को सुतीक्ष्ण महाराज को और अगस्त ऋषि को दर्शन देते हुए भगवान पंचवटी में पहुंचे। गीधराज जटायु से भगवान की मुलाकात हुई, वहां कुटिया बनाकर भगवान रहने लगे। और एक दिन सुरपणखा का प्रवेश होता है, लक्ष्मण जी ने उसके दुष्टताओं के कारण नाक कान काट दिए और यहाँ से भगवान राम और रावण के बीच दुश्मनी का बीज अंकुरित हुआ। नाक कान के बगैर विकराल होकर सुरपणखा भागी है हरदूषण के पास। हरदूषण
प्रदूषण आया, खेल खेल में भगवान उसका विनाश किया। फिर रावण के दरबार में गई शूर्पणखा और तब भगवान राम यहां से और लीला करने को तैयार हुए। मारिच को लेकर आया, सोने का मृग बनाकर सीता जी का अपहरण करता है और भगवान राम सीता जी के विरह में खोजते हुए सीता जी को आगे बढ़े। जटायु पर अनुग्रह किया प्रभु ने, कबंध नाम के असुर का उद्धार किया और शबरी मैया को भी दर्शन देकर भगवान जब आगे बढ़े तो यहां नारद जी को दर्शन देते हुए भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर चले। अरण्य कांड यहां पर विराम, किष्किंधा कांड मानस का, हनुमान जी महाराज से भगवान की मुलाकात हुई। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। और हनुमान जी महाराज कथा में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए एक दो मिनट के लिए मंगल मूर्ति मारुति मंगलमूरति पन्ना सकल अमंगलमूरति पन्ना सकल अमंगलमूरति पन्ना सकल
परिचय सुग्रीव से कराया, फिर भगवान बाली का वध, अंगद को शरणागत, 4 महीने प्रवर्षण पर्वत के भीतर भगवान का विश्राम, और फिर हनुमान जी महाराज सुग्रीव के आदेश से वृक्ष बंदरों की टोली को लेकर सिया जी को खोज के लिए हनुमान जी महाराज सबको लेकर आगे बढ़े, और स्वयं प्रभा नाम की तपस्विनी ने और जटायु के बड़े भाई संपाति ने, इन दोनों ने ये बात नितांत सत्य कर दी कि सीता जी अशोक वाटिका में लंका नगरी में, और यहाँ से हनुमान जी महाराज चलने की तैयारी पर और किष्कंधा कांड को विराम, और आगे मानस का 5वां और बड़ा प्यारा कांड सुंदर कांड। दामवंतु के वचन सुहाए, दामवंतु के वचन अजर अमर गुण निदिष्ट हो, ऐसे युवा है हनुमान जी। अक्सर देखते हैं कि बूढ़े की बात युवानों को अच्छी नहीं लगती, हाँ, लेकिन यहां दामवंत के वचन सुहाए, हनुमान जी युवान है और दामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, और एक बूढ़े की बात युवाओं को अच्छी लग रही है, यह प्रमाण है कि अब राम कार्य पक्का होगा। जिस दिन युवाओं को बुजुर्ग बड़ों की बात, बुजुर्गों की बात अच्छी लगने लग जाए, उस दिन समझ लेना चाहिए कि अब जीवन के हर बिगड़े कांड भी सुंदर कांड होने लगे। एक युवक को बुजुर्ग की बात अच्छी लगे, दामवंत के वचन सुहाए, बड़ी गहराई से सुंदर कांड की शुरुआत है, लेकिन वही समयाभाव है, इसलिए संक्षेप में पूरा सुंदर कांड है, बड़ा बड़ा महत्व का प्रसंग, लेकिन समयाभाव है, इसलिए आप इतना समझें कि हनुमान जी महाराज ने छलांग लगाई है, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमान, छलांग लगाकर हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, लंका नगरी में प्रवेश करके सीता जी से मुलाकात करते हैं भगवान, और फिर चूड़ामणि लेकर लंका नगरी को आग जला करके हनुमान जी महाराज इस पार आते हैं, भगवान को संदेश, भगवान लंका पर चढ़ाई करते हैं, रामेश्वरम भगवान की स्थापना, विभीषण की शरणागति, और यहाँ पर सुंदरकांड का विराम हुआ। जय रामेश्वर दर्शन करी पाएगा, ऐसा आशीर्वाद दिया।
और फिर भगवान लंका पर चढ़ाई करते हैं। 10 दिन के युद्ध मैदान में रावण का तहस नहस कर दिया प्रभु ने, और अंतिम में 31 बाण सरसंधान करते हुए रावण की ओर भगवान ने निशाना लगाया। सायक एक नाभ सर सौसा अपर लगे भूत सिर पर लोहा, सायक एक नाभ सर सौसा अपर लगे भूत सिर पर लोहा, बाण लगा और मरते मरते राम का नाम लेते हुए कहा राम, ऐसा कहते हुए धरती पर गिरा और देवताओं ने पुष्प की बारिश करते हुए जय जयकार कर दी। मोरी रामचंद्र भगवान की जय। और फिर भगवान विभीषण को अभिषिक्त करके सीता जी को भगवान अग्नि परीक्षा के द्वारा वास्तविक रूप स्वीकार करके पुष्पक विमान पर बैठे हैं और केवट की उतराई दे करके फिर भगवान अयोध्या आते हैं और यहाँ धूमधाम से भगवान का राज्याभिषेक हुआ। राम राज पूर्ण हुआ। फिर आगे लवकुश कांड की कथा मानस में नहीं रखी बाबा ने, क्योंकि सीता जी को फिर से वन जाना पड़ता ना, इसलिए दो दो पुत्र चारों भाइयों के यहाँ हो गए। ऐसा कहकर काकुसुंदरी जी का चरित्र वर्णन करते हुए अंतिम पुष्प भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। काये न वाचा मनसे इंद्रिये वा बुद्धात्मना वा तत्ते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री नारायणाय इति समर्पयामि। इति श्रीमद् रामचरित मानस सकल कलेपुरुष विध्वंसने विमल विराग सत्ताम संपादनाम सप्तमः सोपानः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। आज 9 दिवसीय यात्रा विराम ले रही है, आइए हरिनाम सुनें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 Hey, hey, hey.
फिर कभी हनुमान जी की कृपा होगी फिर मुलाकात। आकाश जी आपसे प्रार्थना के ऊपर आ गए गौरव बाबा जी। पूज्य बापूजी के सानिध्य में उनके बुखार भेद से जो राम कथा का यहाँ पर हम श्रवण कर रहे थे सभी भक्त, आज राम कथा के विश्राम पर हम यहाँ पर हैं और बापूजी के और उनकी पूरी टीम के यहाँ पर विदाई से पहले हम उन सभी के लिए कुछ भेंट यहाँ पर महाकाल विशाल जी महाराज यहाँ पर उनको प्रदान कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी कलाकारों के लिए। आकाश जी यार मंच पर आइए। यह जो यहाँ पर श्री राम कथा का सुंदर आयोजन था, इसके मुख्य सहयोगी श्रीमान रमेश चंद्र नेगी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गोदावरी देवी जी, उनके प्रतिष्ठान ज्योति फैब्रिकेटर्स नैनी प्रयाग का हम महारुद्र महाकाल मंदिर समिति की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी भक्तों की तरफ से जिन्होंने इतने सुंदर आयोजन के लिए हमें हमारा साथ दिया, हमारे कंधे से कंधे खड़े करके साथ खड़े हुए हमारे और हमारा उत्साह वर्धन किया, उसके लिए उनको धन्यवाद है। यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि हमारे बीच में जो सुंदर सुंदर भजनों से और वाद्य यंत्रों से यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद थे विश्व कल्याण मिशन की पूरी टीम, उनका धन्यवाद करते हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ में रामकृष्ण मिश्रा जी को धन्यवाद करते हैं, अभिराम शरण जी को धन्यवाद करते हैं, एक बार जोरदार तालियां अभिराम शरण जी के लिए भी, हरिदत्त भारद्वाज जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका धन्यवाद करेंगे, सत्तार भाई जी को भी तालियों के साथ में उनको धन्यवाद करेंगे, कमल किशोर जी को भी तालियों के साथ में उनका धन्यवाद करेंगे, वकील भाई जी को भी तालियों के साथ में उनका धन्यवाद करेंगे, मुन्ना भाई जी को भी तालियों के साथ में धन्यवाद करेंगे, अजय भाई जी को भी तालियों के साथ में धन्यवाद करेंगे, बापू जी की सेवा में लगे आशीष जी को भी तालियों के साथ में धन्यवाद करेंगे, अंकित जी को भी तालियों के साथ में धन्यवाद करेंगे कि वह इतने विषम परिस्थितियों में इतने उतार चढ़ाव वाले रास्तों में भी यहाँ पर रहे हमारे बीच में सभी लोग, जगन्नाथ जी जिन्होंने यहाँ पर साउंड की व्यवस्था संभाली उनको भी धन्यवाद करेंगे जिनकी वजह से हम सभी कथा को सुन पाए, अंशुल जी को भी धन्यवाद करेंगे सभी तालियों के साथ में, हमारे सबसे मुख्य ओपी भैया जिन्होंने पूरा मंच संभाला और पूरे कार्यक्रम को संभाला उनको भी तालियों के साथ में जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनको भी धन्यवाद करते हैं और हमारे पंडित हुकुम जी को भी हम धन्यवाद करते हैं, एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका भी धन्यवाद करेंगे, पूरी विश्व कल्याण मिशन की पूरी टीम को और पूजनीय चिन्मयानंद बापू जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि वह इस स्थान पर आकर के जंगल में आकर के भी इस पावन श्री राम कथा का यहाँ पर गुणगान किया उन्होंने और गुणगान करने के साथ साथ उन्होंने यह भी, मैं एक बार प्रार्थना करूंगा महारुद्र महाकाल विशाल जी महाराज से कि बापू जी को एक चित्र भेंट स्वरूप प्रदान करके उनका सम्मान करें, व्यास पीठ का सम्मान करें, महारुद्र महाकाल भगवान की तस्वीर सुंदर तस्वीर बाबा बापू को भेंट करते हुए महाकाल विशाल जी महाराज। मैं यहाँ पर हमारे बीच में यहाँ पर
हमारे बीच में यहाँ पर रामजी लाल भगत जी ज्ञानी का बेड़ा से हैं, जो कि इस श्री राम कथा के अनुभव को आप गांव वालों के अनुभव को यहाँ पर साझा करने के लिए मैं 2 मिनट के लिए माइक इनको दे रहा हूँ। तो प्रार्थना है बाबूजी से कि 2 मिनट ही का वक्त लीजिएगा, ज्यादा वक्त ना लीजिएगा। तो 2 मिनट में अपने अनुभव को यहाँ पर साझा करें, बापूजी से आशीर्वाद लें गांव वालों की तरफ से। मैं सबसे पहले महारुद्र महाकालेश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए माँ सेनामानंद जी महाराज, महारुद्र विशाल जी महाराज, संत जी भाई रमेश नेगी जी भाई के चरणों में नतमस्तक होते हुए, देखिए ये हमारे धनभाग हैं। हम ऐसा कभी सपने भी नहीं सोचते थे कि हमारे यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। जो है महाराज रुद्र विशाल की जो है अनकंपा से नेगी भाई जो रमेश जी नेगी जी उनकी सहयोग से महाराज जनमानंद जी महाराज जो हम तो टीवियों में देखते थे कभी इनके दर्शनों की, हमने ऐसा नहीं इनके दर्शन करेंगे। हमारे हम सब हमारे धनभाग हैं जो हमारे बीच में आकर इन्होंने इतने अच्छे शब्द बताए। उन शब्दों का अनुमोदन रखना है, ध्यान रखना है कि हमें भगवान ने जनमानंद जी महाराज ने कितने कितने अच्छे शब्द बताए, उनका अनुसरण करना है। तो ये है, धन्यवाद देता हूँ बार बार सभी इनको। और जो है इस जगह को, इस तपोभूमि को हमेशा याद रखना है, इसको आगे बढ़ाते जाना है। जिस को यहाँ पर आयोजन हुआ था उसको तो यहाँ पर मेला रखना चाहिए और हमेशा जो है सत्संग होना चाहिए। हमारे बहुत ही धनभाग हमारे जो आसपास क्षेत्रों के आए हुए उन सभी के हमारे धनभाग हैं जो आज इतना विशाल अंतर्राष्ट्रीय मामले का जो हमारे यहाँ पर आयोजन हुआ है। मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ चिन्नमानंद जी महाराज के चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। मेरी वाणी धन्यवाद करेंगे रामजी लाल भगत जी का, ज्ञानी का बेड़ा और पूरे गांव की तरफ से। उन्होंने यह जो सुंदर मैसेज एक संदेश यहां पर बापूजी के लिए और पूरी कथा के लिए दिया है, उनका धन्यवाद करते हैं। यहां पर बापूजी आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे और आपसे परमिशन भी चाहेंगे कि गांव के सभी लोग व्यासपीठ के सम्मान के लिए, आपके सम्मान के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं। तो मैं गाँव के उन लोगों को जो कि बापूजी का सम्मान करना चाहते हैं, कृपया मंच पर आ जाइए जल्द से जल्द। लोगों का कि निश्चित रूप से ये जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, गांव के लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये दिल से जुड़े हुए लोग हैं जो ग्राउंड लेवल पर रहकर के कार्य करते हैं और निश्चित रूप से आध्यात्मिकता का कहीं ना कहीं इनके अंदर में प्रकाश है जो कि टिमटिमा रहा था और जिसको आपने अपने मुखारविंद से जो श्री राम कथा का गुणगान किया है उससे उसको आपने पूरी ज्वाला दे दी है। तो यहाँ पर आपके बीच में गाँव के मुख्य लोग हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, वो सभी आपके सम्मान हैं। तो यहाँ एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे भगवान श्री राम का। भगवान श्री राम की, महाकाल भगवान की, हनुमान दास जी महाराज की। बापू जी को फेटा बांध करके यहाँ पर साफा बांध करके उनका सम्मान करते हुए सभी गांव के हमारे बुजुर्ग बाद बहुत ही सुंदर पल है ये। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए और तालियां लगातार तालियों की गूंज होती रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए तालियां, लगातार तालियां तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर बापू जी को यह सम्मान दिया जा रहा है, बापू जी को फेटा बांधा जा रहा है। तब तक यह तालियां बजती रहनी चाहिए, सभी से प्रार्थना है लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए और जय श्री राम का, जय श्री राम का घोष होते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, दोनों हाथ ऊपर करके जय श्री राम। सभी लोग जयकारा लगाएंगे। हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद गांव के सभी लोगों का, बापूजी का आशीर्वाद सभी गांव वालों पर। मैं गांव वाले सभी गांव के सभी बुजुर्गों से भी प्रार्थना करूंगा कि महाराज श्री का, विशाल जी महाराज का भी वो अभिवादन, उनका सम्मान अपने तरीके से करें।
महाराज जी का, महाराज विशाल जी महाराज का यहाँ पर सम्मान करते हुए सभी गांव के बुजुर्ग लोग सभी का हार्दिक धन्यवाद है। एक बार फिर से बोलेंगे हर 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 हर। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी गांव वालों का, गांव नवलापुरा ज्ञानी का बेड़ा और आसपास के सभी गांवों के लोगों का, जिन्होंने इस सुंदर श्री राम कथा के आयोजन के लिए हमें हमारा साथ दिया, हमें ऊर्जा दी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते रहे। यहाँ पर विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी कभी हारे नहीं, पीछे नहीं हटे, बल्कि स्थितियों का सामना किया और उसे पूरी तरीके से यहाँ पर राम कथा के आज अंतिम दिवस तक पहुँचाया। आप सभी महानुभावों से, जितने भी यहाँ पर अतिथि आए हुए हैं, सभी लोगों से, सभी कथा श्रोतागणों से प्रार्थना है कि अभी यहाँ से मंच की गतिविधियों की समाप्ति के बाद में हम पीछे हवन की व्यवस्था की गई है, पूर्णाहुति की व्यवस्था की गई है, तो वहाँ पर हवन भी करेंगे और जितने भी लोग प्रसाद लेकर के आज प्रसाद की व्यवस्था में आए हैं उन सबसे प्रार्थना है कि प्रसाद का वितरण हवन के पश्चात ही करेंगे। बापूजी की विदाई के बाद में हवन और हवन के बाद में प्रसाद के वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा प्रार्थना सभी से। और सभी लोग हवन में शामिल होंगे जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार प्रार्थना करना चाहूंगा महाराज जी से, विशाल जी महाराज से, कि उनके मुखारविंद से भी दो शब्द गांव के लिए यहाँ पर रखें। उनसे भी प्रार्थना है कि गांव को, गांव वालों को आशीर्वचन देते हुए दो शब्द यहाँ पर रखें। ये सारे बीज, ये सारी जो जो चीजें हैं इस जगत के
सारे के सारे जितने भी देवी देवता होंगे उन सब ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई इन 9 दिनों में, ऐसा हमको लगता है और आप सबको भी ऐसा लगता होगा। इस व्यासपीठ को भी ऐसा बिल्कुल आशीर्वाद रहा इस व्यासपीठ का हम सब पर, सकुशल बिना किसी संकट के सब कुछ अच्छे से हुआ। कथा अनंत है, वास्तव में कथा अनंत है, इस कथा का कोई अंत नहीं है। हमारे शरीरों का अंत होगा लेकिन ये कथा अनंत काल तक, यहाँ महादेव जो ऊपर बैठे हैं ना महाकाल जी, वो भगवान बहुत प्रसन्न हुए इस कथा को सुन करके। और आप सभी क्षेत्रवासियों से बस यही निवेदन है कि आप सब जैसा बापू जी ने हम सबको सिखाया समझाया कि हम सबको अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके और ये विमल कथा जो निर्मलता प्रदान करती है मन को, ये प्राप्त करें, अपने सबके मन निर्मल हो जाएं तो भगवान आ तो गए सबको दिखने भी लगेंगे। यहाँ जितने भी लोग आए ना सबको यहाँ दृश्यमान होंगे भगवान। मेरी ऐसी हृदय से इच्छा है कि भगवान जो नास्तिक भी आ जाए ना कोई, उसको भी भगवान यहाँ बैठे दिखाई दे, ऐसा मेरा ईश्वर से प्रार्थना है। और यहाँ की शुचिता, इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र की शुचिता आप सब बनाइएगा और बढ़ाइएगा। कल मैं बापू जी से वार्तालाप कर रहा था तो बापू ने कहा कि अब ये उत्सवों का दिन, आप उत्सव करते रहिएगा और आप सभी, हम अकेले कोई उत्सव नहीं करेंगे, आप सब उत्सव होता है समूह के साथ, अकेले कौन सा उत्सव होता है, तो आप सब पूरा समूह जहां जहां तक मेरी आवाज जाएगी आप सबके कान और आप सबके आगे पीछे 10-10 लोगों को आप ये बात पहुंचा देना कि ये उत्सव होते रहेंगे और इसी प्रकार बापू पुनः आएंगे और अपने करुणा के बीच यहाँ पर फिर से ला देंगे। आज इन्होंने जो बीज लगाए तब तक वृक्ष बनाना ये आपका कार्य होगा। बापू आएंगे और फिर देखेंगे और फिर बहुत प्रसन्न होंगे। सबको सबको बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। सारे ग्रामवासियों का, इस तीर्थ क्षेत्र के समस्त सिद्ध महात्माओं का, इस तीर्थ के हर हर एक एक रज का, एक एक कण का, एक एक वृक्ष का, एक एक पशु पक्षी का, सबका हृदय से धन्यवाद। भगवान महारूप महाकाल की जय। हर 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 बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विशाल जी महाराज का। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि मंच पर आरती के लिए मैं यहाँ पर लिस्ट लंबी है लेकिन कुछ मुख्य लोगों का नाम लेना चाहूंगा और मंच के ऊपर भी, क्योंकि सभी आ नहीं सकते हैं तो प्रार्थना करूंगा कि कुछ लोग मंच के नीचे भी खड़े हो जाएंगे आरती के लिए। तो मैं प्रार्थना करूंगा श्री रमेश चंद नेगी जी गोदावरी देवी जी से कि मंच पर आकर के आरती के लिए यहाँ पर सम्मिलित हुए हमारे साथ में। श्रीमती ललिता जोशी जी, श्रीमती मुन्नी देवी जी, श्रीमती सरोज दीक्षित जी, श्री सतीश नारंग जी, श्रीमती राज नारंग जी, श्री हरिओम तिवारी, रूपा तिवारी, पुनीत तिवारी जी, श्री महेश सैन जी, पूजा पाराशर जी, जी पी पाल जी, धनेश कुमार जोशी जी, काशी प्रसाद जी, रविंद्र नेगी जी, नेमी चंद्र, शांति देवी जी, सीमा नेगी जी, कर्मदास, मुक्तानंद जी, गोपाल दास जी, सोनम जी, कौशल्या नेगी जी, शारदा जी, अजय श्रीवास्तव जी, पिंकी गर्ग जी, सावित्री जी, नेहू जी, नदीलाल जी, डॉक्टर कुमार शास्त्री जी, महेश शर्मा जी, गुप्त बिहारी आरती श्री रामायण जी की सीताराम कहो, आरती श्री रामायण जी की सीताराम कहो, आरती श्री रामायण जी की राधाराम कहो, आरती श्री रामायण जी की राधाराम कहो, मुनि नारद वाल्मीकि सारे अंत सब तब तब ये कवि दिन नृत्य सी ये सी।
सहितं नमामि मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते पुरी श्री रामचंद्र भगवान की सभी मंच में उपस्थित सभी यथा स्थान विराजित करते हुए सभी लोग शीघ्र मंच को खाली करेंगे। पूज्य बापू जी के लिए जाने के लिए मार्ग बनाएं। जिन भाइयों की गाड़ी पूज्य बापू जी के रास्ते में खड़ी हो कृपया वहां से हटा लेंगे। पूज्य बापू जी के लिए जाने के लिए मार्ग बनाएंगे। सभी कार्यकर्तागण से अनुरोध है प्रसाद की सेवा जिन्होंने दी है उनके नाम लेना चाहूंगा। श्री राम दामोदर जनक और रामेश्वर जी की तरफ से नवलापुरा से हैं। 3 कुंटल फल के प्रसाद की व्यवस्था की गई। एक बार जोरदार तालियों से धन्यवाद करेंगे। जोमदार संत राम महाराज सिंह निर्भय राम खिलाड़ी रामकरण लखन हाकिम और परशुराम जी की तरफ से 2 कुंटल फल के प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे उनके लिए। धर्म सिंह उनका धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर कप्तान गुनेनी से 2 कुंटल